इसराइल के साथ जंग के बीच हमास का नंबर एक नेता इस्माइल हानिया ईरान में मारा गया है। मसूद पेजेश्कियन के शपथ समारोह में शिरकत करने आए हमास नेता की ईरान में सनसनीखेज हत्या से हड़कंप मच गया है। हमास ने इस हत्याकांड के पीछे इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है। 31 जुलाई 2024 की सुबह हानिया के तेहरान आवास पर मिसाइल अटैक हुआ, जिसमें हमास के मुखिया की मौत हो गई। इस हमले में ईरान समेत मिडिल ईस्ट के चरमपंथी समूहों में खासा आक्रोश है। हमास नेता मूसा अबी मरजोक ने हानिया की हत्या को कायरता भरा कदम बताते हुए कहा कि हानिया की मौत बेकार नहीं जाएगी। इस्माइल हानिया की मौत से ईरान को भी बड़ा झटका लगा है। दरअसल गाजा में हमास समूह इसराइल के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। हालांकि हानिया ईरान का मेहमान था और ईरान उसकी सुरक्षा करने में नाकाम रहा है। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि ईरान इस पर जरूर पलटवार कर सकता है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि हानिया की शहादत ईरान फिलिस्तीन और रेजिडेंस फोर्स के रिश्तों को पहले से ज्यादा मजबूत और अटूट बनाएगी। वहीं आपको बताते चलें कि अब तक इसराइल की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है, मगर इसराइली मंत्री अमिचे नेतन्याहू ने कहा कि हानिया की मौत दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाती है। दुनिया से गंदगी साफ करने का यही सही तरीका है। कोई समझौता नहीं, कोई दया नहीं। हालांकि ये पहली बार नहीं जब ईरानी सरजमी पर किसी की हत्या का इल्जाम इसराइल पर लगा है। हानिया से पहले भी इसराइल ईरान में इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देता रहा है। जनवरी 2018 में मोसाद ने एक तेहरान फैसिलिटी पर छापा मारा था। दावा है कि इसमें कई परमाणु कार्यक्रम से जुड़े दस्तावेज गायब किए गए थे। इस पर अप्रैल 2018 में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने खुलासा किया कि इसराइल ने 1,00,000 खुफिया फाइलें ढूंढ निकाली हैं, जो साबित करती हैं कि ईरान ने कभी भी परमाणु हथियार कार्यक्रम नहीं होने के बारे में झूठ बोला था। फरवरी 2022 में पूर्व इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट ने दिसंबर में द वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट में माना था कि फरवरी में इसराइल ने एक ड्रोन बेस पर हमला किया था। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक वरिष्ठ कमांडर की हत्या कर दी गई थी। मई 2022 में विस्फोटक से लदे क्वाडकॉप्टर आत्मघाती ड्रोन ने तेहरान के दक्षिण पूर्व में पारचिन सैन्य परिसर पर हमला किया था, जिसमें एक इंजीनियर की मौत हो गई थी। जनवरी 2023 में ईरान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि कई आत्मघाती ड्रोन्स ने मध्य इस्फहान में एक सैन्य फैसिलिटी को निशाना बनाया था, मगर उन्हें विफल किया गया। फरवरी 2024 में ईरान में नेचुरल गैस पाइपलाइन पर हमला हुआ। आरोप लगाया गया कि गैस पाइपलाइन का विस्फोट एक इजरायली साजिश थी। अप्रैल 2024 में सीरिया में एक ईरानी वाणिज्यिक दूतावास पर हवाई हमला हुआ, जिसमें 2 ईरानी जनरल और 5 अधिकारियों समेत 7 लोग मारे गए थे। ईरान ने हमले के लिए इसराइल को दोषी ठहराया था, लेकिन इस हमले की जिम्मेदारी भी इसराइल ने नहीं ली थी। और अब माना जा रहा है कि हानिया की मौत से गाजा में जारी इसराइल और हमास की जंग और खतरनाक हो सकती है, तो वहीं सीजफायर को लेकर चल रही बातचीत पर फिर से विराम लगने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि जंगी मैदान में इसराइल के खिलाफ हमास के लड़ाके कितने खूंखार तरीके से हमास के नेता की मौत का बदला लेते हैं।